सो दोस्तों फाइनली रियलमी की GT 2 सीरीज ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है और यहाँ पर इस सीरीज में आपको टोटल दो स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। जो पहला स्मार्टफोन होगा वो रियलमी GT 2 के नाम से लॉन्च किया जाएगा और जो दूसरा स्मार्टफोन होगा वो रियलमी GT 2 प्रो के नाम से ऑफिशियली लॉन्च होने वाला है आज दोपहर 1:30 बजे। अब यहाँ पर इस स्मार्टफोन का जो लॉन्च इवेंट है वो ऑलरेडी रियलमी इंडिया के ऑफिशियली चैनल पर लाइव कर दिया गया है, अभी लाइव नहीं हुआ है, शेड्यूल में डाला हुआ है और जो यहाँ पर आपको 1:30 बजे लाइव देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इस वीडियो में दोनों ही स्मार्टफोन जो सभी स्पेसिफिकेशन वो बताने वाला हूँ, एक्चुअल में क्या स्पेक्स होने वाली है इन दोनों स्मार्टफोन के और किस प्राइस सेगमेंट पे स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में आपको देखने को मिलने वाले। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर रियलमी की GT 2 सीरीज के बारे में कुछ भी जानना चाहते हैं, वीडियो आपके लिए होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव भी होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज, आप देख रहे हैं एस टेक्निकल इंडिया यूट्यूब चैनल। तो बने देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रियलमी की GT सीरीज है वो एक फ्लैगशिप वाली सीरीज है, लेकिन इतनी ज्यादा फ्लैगशिप भी नहीं है। इस सीरीज के अब तक जितने भी स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं वो अंडर 40 के आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रियलमी की GT 2 सीरीज होने वाली है उसमें आपको काफी ज्यादा प्रीमियम स्मार्टफोन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अब तक का सबसे हाई परफॉर्मेंस वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाएगा जो कि क्वालकॉम की तरफ से आता है और मैं समझता हूँ कि पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो ग्लोबल मार्केट में इस प्रोसेसर के साथ में लॉन्च होने वाला है। अब देखिए यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको डिजाइन देखने को मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको थोड़ा बहुत स्पेक्स का फर्क देखने को मिलेगा, इसके अलावा और भी कुछ चेंजेस यहाँ पर नहीं किए गए। थोड़ा कैमरे में किया गया, फास्ट चार्जिंग वगैरह में और प्रोसेसर में यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिल जाएगा। अदरवाइज डिस्प्ले अगर आप दोनों ही स्मार्टफोन में देखते हैं तो दोनों ही स्मार्टफोन की डिस्प्ले जो सिमिलर होने वाली है। यहाँ पर फुल स्पेस की अगर हम बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 6.8 इंच का फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा जो कि काफी कमाल का रहने वाला है। कलर वगैरह यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, कलर यहाँ पर आपको काफी अच्छे जो है देखने को मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ पर आपको कोरिंग गुलाब ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट जो है देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो डिस्प्ले काफी ज्यादा कमाल का होने वाला है। बात करें टच सैम्पलिंग रेट की तो बताया जा रहा है कि यहाँ पर आपको 600 MHz का टच सैम्पलिंग रेट जो है देखने को मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो गेमिंग के मामले में काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपको जो है देखने को मिल जाएगा इस टच सैम्पलिंग रेट के साथ में। बात करें पीछे की तरफ डिजाइन की, पीछे की तरफ आपको बैक ग्लास मिलेगा या फिर प्लास्टिक बैक डिजाइन देखने को मिली, उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि उसके बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक प्रीमियम स्मार्टफोन है तो यहाँ पर आपको बैक ग्लास डिजाइन ही मिलने वाला है। साथ ही पीछे की तरफ आपको रियलमी की ब्रांडिंग और ट्रिपल लेयर कैमरा देखने को मिल जाएगा दोनों ही स्मार्टफोन में। जहां पर जो रियलमी का GT स्मार्टफोन होगा वहां पर आपको 50 MP का प्राइमरी कैमरा देखने को मिलेगा, उसी के साथ में एक 13 MP का अल्ट्रा वाइड देखने को मिलेगा और एक 8 MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। अब बात करें रियलमी GT 2 प्रो स्मार्टफोन के कैमरा की तो यहाँ पर आपको 50 MP का प्राइमरी देखने को मिलेगा, 50 MP का ही एक अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही एक 8 MP का टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोनों ही स्मार्टफोन का जो सेल्फी कैमरा है वो भी काफी अच्छा होने वाला है। दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 16 MP का पंचो सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो रियलमी का GT 2 प्रो स्मार्टफोन होगा उसमें आपको एक वेरिएंट अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरे वाला भी देखने को मिल सकता है, उसके बारे में भी कुछ ज़्यादा डिटेल्स जो वो निकल करके नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की अगर हम बात करें तो रियलमी के GT 2 स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का Snapdragon 888 प्रोसेसर देखने को मिलेगा और GT 2 प्रो स्मार्टफोन में आपको क्वालकॉम का Snapdragon 8 Gen 1 वाला प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल जाएगा। दोनों ही स्मार्टफोन के प्रोसेसर काफ़ी ज़्यादा कमाल के होने वाले हैं और सबसे कमाल की बात यह है कि रियलमी का GT 2 प्रो जो स्मार्टफोन होगा वो 12 GB रैम के साथ 1 TB इंटरनल स्टोरेज भी आपको प्रोवाइड करा देगा, यानी कि 1000 GB आपको यहाँ पर स्टोरेज देखने को मिल जाएगी। इस इमेज में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर रियलमी GT 2 प्रो का अबाउट वाले सेक्शन का यहाँ पर पेज लाइव हो चुका है, तो यहाँ पर आप कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको किस तरह की स्पेक जो वो और रैम वेरिएंट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। बात करें दोनों स्मार्टफोन की प्राइस की तो बताया जा रहा है कि जो रियलमी का GT 2 स्मार्टफोन होगा वो यहाँ पर आपको करीब 38,000 रुपये के आसपास देखने को मिलने वाला है और जो GT 2 प्रो स्मार्टफोन होगा वो यहाँ पर आपको 250,000 रुपये के आसपास जो है वो देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी स्पेक्स देखने को मिल जाती है, हालांकि इंडिया मार्केट में थोड़ी सी हाई प्राइस पर ही ये लॉन्च होने वाले हैं क्योंकि थोड़ा सा टैक्स वगैरह लगने के बाद ऑलरेडी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज कर दी जाती है। बात करें दोनों स्मार्टफोन की बैटरी की तो दोनों ही स्मार्टफोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर GT 2 प्रो स्मार्टफोन में आपको 67 W का फास्ट चार्जर दिया गया है जबकि रियलमी के GT 2 प्रो स्मार्टफोन में आपको 125 W का फास्ट चार्जर देखने को मिलने वाला है। ओवरऑल यहाँ पर रियलमी का GT 2 प्रो स्मार्टफोन एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन होने वाला है। अगर आप रियलमी के फैन हो तो आप ऑब्वियसली इस स्मार्टफोन को जरूर बाय करना पसंद करेंगे। अब आपके हिसाब से दोनों स्मार्टफोन की स्पेक्स कैसी है, किस प्राइस में दोनों स्मार्टफोन इंडिया मार्केट में लॉन्च होने चाहिए और ग्लोबल मार्केट में तो आज वैसे लॉन्च हो ही जाएंगे, तो प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा अंदाजा वाली पता चल जाएगी। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप इन दोनों स्मार्टफोन लॉन्च इवेंट देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आज यहाँ पर हमारे चैनल पर दोनों स्मार्टफोन जो लॉन्च इवेंट है वो लाइव देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।